वहीं दूसरी ओर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि अभी कुछ अधिकारी बीजेपी के संरक्षण में हैं। इसमें बीजेपी के विधायक और पूर्व विधायक भी शामिल हैं। इस मामले में कमिश्नर से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है और साथ ही उनका कहना है कि पुराने पैर जमाए हुए हैं, उन्हें उखाड़ना पड़ेगा। अब इस मामले की मुख्यमंत्री को पूरी रिपोर्ट दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लिप्त हैं, वहाँ के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो लिप्त हैं। और मैंने जोर शोर से कहा है कि ये अवैध उत्खनन बंद होना चाहिए, जो नई रेत खनन की नीति आई है वो लागू हो जाए, जब तक ये बंद किया जाए। अभी परसों रात को यहाँ माइनिंग विभाग के पीएस ने उस पर सब रोक लगा दी है। उसके अलावा नर्मदा जी से मशीनों से उत्खनन नहीं होना चाहिए, ये सब है हमारी नीति में। और वो एक उसमें आम लोगों से भी उसमें राय ली गई, तो वो जो नीति है वो कारगर होगी। हाँ, ये पेपरों के माध्यम से और बाकी माध्यम से ये सूचना आई है कि एसडीएम और कलेक्टर में विवाद चल रहा है और ये अन्य मामले और रेत के मामले हैं, ये सब आया है पेपरों में। इसके मैंने कमिश्नर जो आयुक्त है वहां के मिश्रा जी, उनसे कहा कि इस पूरी जानकारी लेके भेजे और ये चीफ सेक्रेटरी साहब से और मुख्यमंत्री जी से इस मामले में चर्चा होगी।